छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और एएसआई अधिकारी समीर विश्रोई को गिरफ्तार कर लिया है। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। एजेंसी चारों को रायपुर की स्थानीय अदालत में पेश करने वाली है। ईडी की एक बड़ी टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के साथ मंगलवार तड़के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैले 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू का सरकारी आवास भी शामिल था। उसके अलावा खनिज विभाग के संचालक आईएएस जेपी मौर्य, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्रोई, पूर्व विधायक अग्नि चंद्रकार सहित कोयला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ छापा पड़ा। रायगढ़ में रानू साहू नहीं मिली तो एजेंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जा रहा है एजेंसी बुधवार तक छापे की कार्यवाही पूरी कर ली थी। दोपहर बाद आईएएस समीर विश्रोई, उनकी पत्नी और दूसरे कारोबारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। बाद में विश्रोई की पत्नी को छोड़कर बाकी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ईडी रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ करेगी। उनकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास का सील खोलकर तलाशी भी ली जाएगी। हालांकि अभी तक ईडी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है।